हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1.12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी रेड लाइन से वो आपकी कौन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वहाँ पे एक आपकी डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट ने, डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना, थीटा एंगल। अब देखो कि आपको ये इक्वेशन याद है कि नहीं, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उनके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, क्यू ई के बराबर। ये फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनके ऊपर ए वाली डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा क्यू ई के बराबर फोर्स ऑन माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज। और प्लस क्यू के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में सेम अमाउंट, देखो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन तो आपको साफ साफ दिख रही है। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना होगा, क्यू इंटू ई। तो ये दो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगी, और ये दो फोर्स देखो इनकी वजह से इनके डायपोल के ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा, और डायपोल ना ऐसे सेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ कि नहीं, कौन से डायरेक्शन में, देखो जब इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा तो वो ऐसे सेट हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में। कौन सा स्टेट में, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में। आगे जाके मैं करवाऊंगा दोनों स्टेट आपको, लेकिन पहले हमें इनके ऊपर कितना टॉर्क एग्जर्ट होगा उनका इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो ये बाकी सारा एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स के अंदर दिया है, तो आप मेरे नोट्स एक बार रीड कर लेना। चलो, तो टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, तो डायरेक्ट डेरिवेशन टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी एक मैग्नीट्यूड लिखो, क्लियर, फोर्स का, क्लियर। तो फोर्स किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, ये और यहाँ पे ये, तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना ए बी के बराबर, क्लियर। तो ए बी कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये आपकी एंगल कितनी बनेगी, थीटा बनेगी कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका साइन का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ डाइपोल के बराबर, टू ए के बराबर। तो ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स आपको मिलेगा टू ए साइन थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, तो 2a साइन थीटा। चलो, फिर आपको पता है p डाइपोल मोमेंट होती है आपकी 2aq के बराबर है कि नहीं, तो 2a और एक कौन है q, तो मैं यहाँ पे p साइन थीटा लिखूँ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपको क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। चलो, फिर आपने 11th में देखा था a डॉट b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर, तो a डॉट b क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या था, ए बी साइन थीटा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ए बी साइन थीटा मतलब उल्टा बोलो ए क्रॉस बी, तो पी साइन थीटा मतलब पी क्रॉस ई बोलो कि नहीं। तो ये आपकी टॉर्क कौन से फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, इनके दो स्टेट, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना कि टॉर्क किसके बराबर एग्जैक्ट होगा, पी साइन थीटा के बराबर। चलो, फिर दो इनके स्टेट हमें डिस्कस करने, तो फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो, तो यहां पे देखो ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। मानो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब मैं बोलूँ तो डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। ये आपकी जो थीटा होती है ना, वो थीटा कौन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, तो थीटा जीरो, तो टॉर्क टाउ क्या होगा, पी साइन थीटा, तो ए भी जीरो होगा, क्लियर। लेकिन देखो टॉर्क जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डाइपोल की यहाँ पे ना सबसे मिनिमम एनर्जी होती है। ये सेकेंड यूनिट में हम इनका इक्वेशन
डेराइव करेंगे। इनके पास स्टेबल स्टेट में क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। हर एक सिस्टम जो स्टेबल होती है उनके पास मिनिमम एनर्जी होती है, क्लियर। ऐसे ही बनी रहेगी डाइपोल, ए ऐसे ही रहेगा, ए नेगेटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर। फिर अनस्टेबल में देखो तो अनस्टेबल में भी टॉर्क एंड फोर्स दोनों जीरो होगा, फोर्स तो हर एक केस में जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू की जगह पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे कौन सा माइनस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। तो थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, तो टॉर्क टाउ क्या होगा पी साइन थीटा, तो थीटा 180, टॉर्क क्या होगा जीरो, तो टॉर्क जीरो होगा, लेकिन डाइपोल के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होगा, तो ये अपनी जगह पे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेशन दिखाएगा, ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हो ना, क्लियर, वो रिपीट करेगा, क्लियर। चलो तो ये टॉर्क एग्जर्ट होगा और ए वाले स्टेट में इनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्लियर। ये अनस्टेबल स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट, और अनस्टेबल स्टेट में उनके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम एनर्जी। देखो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल ए वाली पोजीशन पे हो, ऐसे हो या तो ऐसे हो, हर एक केस के अंदर इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे ए वाली डायरेक्शन में दो फोर्स बनेगी, ए वाली, तो इक्वल एंड अपोजिट जीरो, यहाँ पे ए वाली डायरेक्शन में फोर्स बनेगी दो, तो वो भी जीरो। ये देखो पॉजिटिव फील्ड पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फील्ड की वजह से जो भी फोर्सेस एग्जर्ट होगी इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमेशा क्या बनेंगे आपके, जीरो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपका, कौन सा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट केस में लेता हूँ, यहाँ पे देखो, तो मानो कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आपको फील्ड लाइन की डेंसिटी देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि ए वाली साइड पे फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे फील्ड आपकी वीक बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो डाइपोल है, तो डाइपोल यहाँ पे माइनस क्यू और ए वाली साइड पे कौन है, प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो ये वाली डायरेक्शन में होगी, क्लियर। और थीटा भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, थीटा जीरो बना रहा है, डाइपोल मोमेंट ए वाले फील्ड से पैरेलल है यहाँ पे, तो थीटा जीरो, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा, पी साइन थीटा, तो टॉर्क क्या बनेगी, जीरो, मतलब डाइपोल का ऐसे कोई रोटेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन प्लस क्यू, तो ए वाली साइड पे फील्ड की इंटेंसिटी में बोलूँ ई डैश और यहाँ पे बोलूँ ई, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू विल बी क्यू इंटू ई डैश, फोर्स मैग्नीट्यूड की खाली बात करेंगे, फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी क्यू ई। अभी आप देखो कि ई डैश इज ग्रेटर देन ई, आपका ए वाली साइड पे आपका जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब फोर्स ऑन प्लस क्यू विल ग्रेटर देन दी फोर्स ऑन माइनस क्यू, ठीक है। तो डाइपोल के ऊपर ए वाली डायरेक्शन में फोर्स आपकी नेट एग्जर्ट होगी और ये आपका डाइपोल ना ऐसे मूव करेगा टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्ग फील्ड, टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्ग फील्ड, समझ में आ कि नहीं ये केस। चलो फिर नेक्स्ट, तो सेकेंड केस यहाँ पे देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, क्लियर। चलो और यहाँ पे देखो आपकी जो डाइपोल है, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये इनका पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कि नहीं, क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन अगेन क्या बनेगी, सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या होगा, जीरो, थीटा जीरो होगा तो टॉर्क टाव इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टॉर्क भी आपको क्या मिलेगी, जीरो। लेकिन अगर फिर से मैं फोर्स की बात करूं कि ए वाली साइड पे जो फोर्स है प्लस क्यू की साइड पे उनको ई डैश बोलूं और माइनस क्यू की साइड पे जो फोर्स है उनको
ई बोलो, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ई इज ग्रेटर देन ई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इनके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी क्यू इंटू ई, फोर्स ऑन प्लस क्यू विल बी क्यू इंटू ई डैश। नाउ ई इज ग्रेटर देन ई डैश, तो आपका ये जो डाइपोल होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये वाले डायरेक्शन में, समझ में आया, क्लियर। तो डाइपोल विल मूव्स इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो, है ना, राइटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, ए वाले केस के अंदर आप देखो डाइपोल मोमेंट ए वाले डायरेक्शन में, फील्ड आपका ये थीटा एंगल बनती है ना, तो टॉर्क क्या होगा, पी साइन थीटा के बराबर एग्जर्ट होगा। और देखो इनका मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनके ऊपर क्यू ई, ए स्ट्रॉन्गर फोर्स है, यहाँ पे ए वाली साइड पे वीकर फोर्स होगा। तो ये डाइपोल ना फील्ड के अंदर कैसे मूव करेगा, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डाइपोल ऐसे कंसिडर कर लो, ये डाइपोल, तो ये ना फील्ड के साथ ऐसे चलेगी, ये ऐसे आगे फील्ड के साथ, जैसे ही वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी ना, फिर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी, समझ में आया। देखो कैसे, जब तक ये इनकी डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ ना बने सेम डायरेक्शन में, तब तक उनका रोटेशन भी होगा और लीनियर मोमेंट भी होगी, लेकिन जैसे ही वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा फिर खाली लीनियर मोमेंट करेगा। देखो ऐसे है ना अभी एंगल पे, तो ऐसे चलेगी वो, ऐसे बन गया देखो फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो देखो आपका पहले वाला केस बन गया नॉन यूनिफॉर्म वाला, फिर डाइपोल ऐसे जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे टॉर्क भी एग्जर्ट होगा और उनके ऊपर फोर्स भी एग्जर्ट होगा। अगले वाले दो केस थे उनके अंदर खाली क्या एग्जर्ट होता था, फोर्स, टॉर्क नहीं था, क्लियर। चलो इनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सी वो कर लेते। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 10, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 कूलम मीटर, इज अलाइनिंग एट 30 डिग्री, एंगल कितना दिया आपको फील्ड के साथ 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया आपको 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क का एक सिंपल इक्वेशन है ना, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो आपको बस खाली क्या करना है, वैल्यू रखो टॉर्क के लिए, पी आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है, ए इनकी वैल्यू रख दी मैंने, क्लियर। फिर ई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, क्लियर। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/2 आगे जाके, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर कितना मिलता है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर। मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है। अब देखो कल के लिए मैं इतना ही लेक्चर रखता हूँ, अबाउट 15 मिनट का लेक्चर होगा, इनको स्मॉल क्यू कर दिया, और अभी से पर डे एक ही लेक्चर करना है, तो आप पे बर्डन भी कम रहेगा और साथ में आप पैरेलल लर्निंग करो। तो अभी काफ़ी सारा आपके पास, मे बी आपका आगे के एक दो लेक्चर अटेंड करना भी बाकी है, तो कल के लिए मैं खाली एक 15 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब आप कर लेना, आगे का जो भी आपका अभी तक नहीं हुआ सारे लेक्चर, ये अपना 12th लेक्चर था, तो आगे के 11th लेक्चर के अंदर जितना भी आपका बाकी है लर्न करना, देखो लर्न करोगे आप, लर्न करना बाकी है वो आप कर लो और मेरे साथ बन जाओ, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।